हरिः शरणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ श्रीमद्भागवतम् पञ्चमस्कन्धस्तादशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्रा सुवर्षी साक्षात् भगवत वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हसीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधापीदमभि गृणन्त उपधावन्ति। भद्रस्रवसौचुः। ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ग्रन्थं जनोऽयं हि मिशन्न पश्यति। ध्यायन्त सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयस्वनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम्। विशोद्भवस्थान निरोध कर्मति यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणी सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलद्यो नृतुरङ्गविग्रह प्रत्याददे वै कवयेऽभियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हिताय इति। हरिवर्षे चापि भगवन् नरहरिरूपेणास्ति तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्य तद्दैतं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानव कुलतीर्थीकरण शीलाचरितः। प्रह्लादो व्यवधानः नन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्ष पुरुषैरुपास्ति इदं चोदाहरति। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसी आविराविर्भव वज्रनख वज्रद्रंष्ट कर्माशयान् रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षोम स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियाम्। मनश्च भद्रं भदता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतीरप्यहैतुकी। मागारदारात्मज वित्तबन्धुषु शङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः। यः प्राणवृत्याम् परितुष्ट आत्मवाम् सिदध्यत्यदूरान्नततेन्द्रियप्रियः। यः सङ्गलब्धम् निजवीर्यवैभवम् तीर्थम् मुहुः संस्पृशताम् हि मानसम्। हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम् को वै न सेवेद मुकुन्द विक्रमम्। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराहम्। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणा मात्मा झषाणाम् मिव तोयमीप्सितम्। हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनाम्।
तस्माद्रजोराग विषादमन्यु मानस्पृहा भय दैन्याधिमूलम् हित्वा गृहं संश्रुति चक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। हरिशरणं 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 हरिः शरणं। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भद्रास्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रस्रव और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रस्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। ओ भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों को संहार करने वाला काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादि का लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते हैं। तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रह्लाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों की सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभाव से उपासना करते हैं। ये प्रह्लाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा उन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख हे वज्रदंश, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा। हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षोम। हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। प्रभु, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य और नादि से संतुष्ट रहता है,
उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाला गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह की निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। हरि शरणम्।